भगवान कृष्ण जो है वे आनंद से ही बने हुए हैं। जैसे हम मनुष्यों का शरीर जो है पांच तत्वों से बना हुआ है, वैसे भगवान कृष्ण का शरीर जो है ना वह आनंद से ही बना हुआ है। अगर भगवान के भीतर से आनंद को निकाल देना तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वे आनंद से ही बने हुए हैं। जैसे चीनी से बने हुए हाथी में से अगर चीनी निकाल दें तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वह हाथी चीनी से ही बना हुआ है। वैसे ही आनंद से बने हुए भगवान के भीतर से आनंद को निकाल लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान आनंद से ही बने हुए हैं। आनंद से ही बने हुए हैं, हमेशा 24 घंटा 24 आवर्स भगवान जो है नित्य आनंद में ही रहते हैं। भगवान कृष्ण अगर चाहे भी कि मैं दुखी हो जाऊं तो कभी नहीं हो सकते। जैसे सरस्वती जी चाहें कि मैं अज्ञानी बन जाऊं, मैं पागल बन जाऊं, तो ये कभी हो नहीं सकता है। जैसे सूर्य चाहे कि मैं अंधकार का दर्शन कर लूं तो ये कभी हो नहीं सकता है। जैसे लक्ष्मी जी चाहे कि मैं कंगाल बन जाऊं, मैं भिखारी बन जाऊं, तो ये कभी हो नहीं सकता। वैसे ही भगवान कृष्ण चाहे भी कि मैं दुखी हो जाऊं तो ये कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आनंद से ही बने हुए हैं। और एक संत जो है बड़े मजे की बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो पूर्ण आनंदमय है ही, लेकिन ऐसे आनंद के मूर्तिमान विग्रह, ऐसे आनंद कंद भगवान कृष्ण का जो लोग भजन करते हैं ना, वे लोग भी 24 घंटा आनंद में ही रहते हैं। जैसे जो लोग इस संसार में रहते हैं ना, उनको 12 घंटा प्रकाश और 12 घंटा अंधकार भी मिलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूर्य लोक में प्रवेश कर जाए तो उसे 24 घंटा प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा ना। वैसे ही इस संसार में जो लोग माया में रहते हैं ना, उनको कुछ क्षण सुख भी मिलता है और कुछ क्षण दुख भी मिलता है, लेकिन जो लोग उस माया के पति भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हैं ना, वे लोग तो 24 घंटा आनंद ही आनंद में रहते हैं, आनंद ही आनंद मिलता है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान पूर्ण आनंदमय है।